वहीं 72 घंटे के प्रतिबंध के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने बाबरी विध्वंस पर खुशी जताई थी। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि उन्हें इस पर गर्व है। चुनाव आयोग ने उनके इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना और उन पर बैन लगा दिया। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में चुनाव प्रचार के दौरान एक टीवी चैनल को दिए बयान में कहा था कि मैं न सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ी थी बल्कि उसे गिराने में भी मदद की थी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि राम मंदिर निश्चित रूप से बनाया जाएगा, ये एक भव्य मंदिर होगा। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा था कि हम मंदिर का निर्माण करेंगे, आखिरकार हम ढांचा को ध्वस्त करने के लिए भी तो गए थे। साध्वी प्रज्ञा ने आगे कहा था कि उन्होंने ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें गर्व है कि ईश्वर ने उन्हें ये अवसर दिया और शक्ति दी और उन्होंने ये काम कर दिखाया। चल 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 बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, युग युग से बहता आया, ये पुण्य प्रवाह हमारा, ये पुण्य प्रवाह हमारा। क्या मुझको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या जो बाधा बन कर आए। बह जाएंगे गिर पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, ये पुण्य प्रवाह हमारा, ये पुण्य प्रवाह हमारा।